चैन भाई मुझे ये बताएं कि इस मैच में शिकस्त की असल वजह क्या है? शिकस्त की वजह यार हार गए आपको बाबर आजम सबसे पहले, जो मुसलसल कैप्टनी में अपनी नाकाम हो रहे हैं। फील्डिंग आज उन्होंने नवाज से ओवर नहीं करवाया, इससे जब आपने पूरा क्रूशियल मैच, आपको पता है कि आपने अच्छे रन रेट से जीतना है, तो आपने जाते के साथ ही अपनी इंटैक्ट एग्रेशन दिखानी थी, आपने अटैक करना था। आप तीन ओवर्स में यार आपके दो चार रन हैं, और जिम्बाब्वे की ओपनिंग आपने देखी कैसी थी यार, उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को पहले ओवर में 14 रन मार दिए, इसके अलावा नसीम शाह को उन्होंने आते के साथ ही हिटिंग की, पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है आज दोनों टीमें जो हमारे ग्रुप की थी, इंडिया और साउथ अफ्रीका, दोनों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इंडिया तो ऑलमोस्ट हो गया क्योंकि दो बड़े मैचेस उन्होंने जीत लिए, और साउथ अफ्रीका ने भी आज बांग्लादेश को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका 3 पॉइंट पे, इंडिया 4 पॉइंट पे है, और पाकिस्तान 2 मैचों में 0 पॉइंट पे। बहुत बुरी कारकर्दगी ओवरऑल, मतलब एक तो पहले आपने 130 रन पे रोक लिया उनको, उसके बाद आपको जहाँ रन बनाने थे वहाँ रन नहीं किए। शदाब को मैं ज़रूर कहूँगा, शदाब पे जिम्मेदारी थी, वाइस कप्तान थे, अच्छा रन वहाँ पे कर रहे थे शान मसूद पे, वहाँ उन्होंने अपनी विकेट का तोहफा दिया, एक बॉल पहले छक्का लगा के अगले बॉल रैश शॉट खेल कर आउट हुए। बाबर और रिजवान अगेन, हम पहले से बात कर रहे हैं, अब तो मुझे कप्तान तो बाबर आजम नहीं रहेंगे, जो मुझे लग रहा है, मैं बहुत पहले से भी बात कर रहा था कि इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का एग्जिट होगा। रिजवान को ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है, वो एशियन पिचेस पे तो यार वो जबरदस्त उनके साथ उनके बैट पे बॉल आ रही होती है, अब यहाँ दो मैचेस में उन्होंने भी वही अपनी जो पुरानी रविश है। देखिए इस इन चीजों से, इस एग्जिट से दो चार चीजें होंगी, हैदर अली का कैरियर खत्म हो जाएगा, आसिफ अली तो गए, आसिफ अली का जो है वो तकरीबन समझे कैरियर खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की क्रिकेट खत्म हो जाएगी इस शिकस्त के साथ। लेकिन जिम्बाब्वे की पहली कामयाबी है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान को पहली बार उसने शायद आईसीसी टूर्नामेंट में पहली दफा शिकस्त दी है, और बहुत ये वैसी ही नाकामी जैसे 2007 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था, वो बॉब वुलमर जो है वो डेथ हो गई थी, इंतकाल कर गए थे, तो अभी बर्दाश्त हो गए थे, आज हम भी दिल बर्दाश्त हो गए बहुत ज्यादा। और 100 अच्छा, मोहम्मद अली खालिद साहब फरमा रहे हैं कि बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन है लेकिन कप्तानी उनकी जो है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम का क्या किया जाए, ये तो वसीम जो है, वसीम मोहम्मद वसीम सेलेक्टर, और रमीज राजा उनके हिसाब से भी लोग कह रहे हैं कि वो तो इस वक्त क्या छोड़ देनी चाहिए कोचिंग, जो ये लोग सेलेक्टर्स ऐसी टीम सेलेक्ट किए जिसमें, अच्छा अब तो खैर हम बोल सकते हैं अब तो पाकिस्तान मैच हार गया, क्योंकि हम तनकीद नहीं कर रहे भाई, अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो हम बोलते भी हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज फिर से शो कर दिया है कि बड़े टूर्नामेंट में वो अपनी रविश नहीं बदलेंगे, वो हारेंगे चाहे इंडिया हो चाहे कोई और छोटी टीम हो। आज इतना आसान मैच था यार, आपने देखा साउथ अफ्रीका ने कैसे बांग्लादेश को मारा यार, मौका ही नहीं दिया, ये 200 रन मार दिए रॉसो ने आज भी, बिल्कुल ऐसे ही इतनी जबरदस्त उन्होंने आज पार्टनरशिप लगाई है रॉसो ने, सबने साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया है, बांग्लादेश 101 पे आउट हो गया, देखिए पाकिस्तान ने कैसे टीम से, इंडिया ने आज 180 रन मार दिए यार नेदरलैंड को, और उन्हें 54-55 रन से हरा दिया, हम क्यों उस छोटी टीम के सामने यार हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो जाती है, जिम्बाब्वे जैसी टीम यार जो क्वालिफाई करके आई है उसके सामने हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बॉलर्स के सामने खुल के हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाए यार, ये तो शर्म की क्या, ये तो जो कोचिंग कर रहे हैं सकलेन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ, मैं तो हेडिंग का रोल मुझे नजर नहीं आया इस बार, एग्रेशन जो उनकी क्रिकेट में आती है कोचिंग में नजर नहीं आया। मैं शायद आपको एक बात बता दूं, इस टीम में बाबर आजम वन मैन आर्मी है, चेयरमैन बीसीबी की तरफ से बाबर आजम को खुली हाथ दिया हुआ है कि आपने तमाम तर फैसले लेने, जब आप तमाम तर फैसले लेंगे तो मैथ्यू हेडिंग शॉन टेट आप इनको